दोस्तों, क्या टाइम ट्रेवल कर पाना क्या पॉसिबल है, और ये टाइम ट्रेवल कैसे कर पाते हैं? और हालांकि हम मानवों टाइम मशीन में नहीं जा सकते हैं और समय में टाइम वापस नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, हालांकि हम लोग इतना तो जानते हैं कि एरोप्लेन और सैटेलाइट की घड़ियां पृथ्वी की तुलना में अलग गति से चलती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सब समय पर यात्रा करते हैं? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग जन्मदिनों के बीच एक वर्ष का ट्रेवल करते हैं, और दोस्तों हम में से सभी समय में ऑलमोस्ट एक ही मोशन में ट्रेवल कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम नासा के स्पेस टेलीस्कोप हमें टाइम में पीछे मुड़कर देखने का एक तरीका भी देती है। दोस्तों, टेलीस्कोप हमें उन सितारों और आकाशगंगाओं को देखने में हेल्प करता है जो हमारे पृथ्वी से काफी दूरी पर है। दूर की गैलेक्सी से लाइट को हम तक पहुँचने में काफी समय लग जाता है, इसीलिए जब हम टेलीस्कोप से आकाश की ओर देखते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि वे तारे और गैलेक्सी बहुत समय पहले कैसी दिखती होंगी। हालांकि जब हम लोग टाइम ट्रेवल के बारे में सोचते हैं तो हम आम तौर पर सेकंड प्रति सेकंड से अधिक तेजी से टाइम ट्रेवल के बारे में सोच रहे होते हैं। दोस्तों, उस तरह की टाइम ट्रेवल कुछ इस तरह से लगती है जैसे आप केवल फिल्मों या साइंस फिक्शन बुक्स में देखते हैं। दोस्तों, क्या यह रियल में पॉसिबल हो सकता है? दोस्तों, यह साइंस के हिसाब से पॉसिबल माना जाता है। दोस्तों, यहाँ बात आती है कि हम कैसे जान पाएंगे कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम से एक फेमस साइंटिस्ट ने टाइम ट्रेवल कैसे काम करता है इस बारे में बात की है। उन्होंने इसके रिलेटिव कहा है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आगे आइंस्टीन यह भी कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। प्रकाश की मोशन 1860000 मील प्रति सेकंड से तेज गति से कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल के लिए इसका क्या अर्थ है? खैर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जितनी तेजी से ट्रेवल करते हैं उतना ही धीमा आप समय का अनुभव भी करते हैं। दोस्तों, इसको दिखाने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रयोग था जिसमें दो घड़ियों को एक ही समय पर सेट किया गया। एक घड़ी को पृथ्वी पर रखा गया जबकि दूसरी घड़ी को एरोप्लेन में रखा जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में एरोप्लेन उड़ने के बाद साइंटिस्ट ने दोनों घड़ियों की तुलना की। तेज गति से चलने वाली एरोप्लेन की घड़ी जमीन पर लगाया गया तो एरोप्लेन की घड़ी 1 सेकंड प्रति सेकंड की तुलना में समय में थोड़ी धीमी गति से ट्रेवल कर रही थी। दोस्तों, क्या हम डेली लाइफ में टाइम ट्रेवल का यूज कर सकते हैं? दोस्तों, हम अतीत या फ्यूचर में सैकड़ों वर्षों की ट्रेवल करने के लिए टाइम मशीन का यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, उस तरह का टाइम ट्रेवल सिर्फ किताबों और फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन टाइम ट्रेवल का गणित उन चीजों को प्रभावित करता है जिनका हम हर दिन यूज करते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम GPS सैटेलाइट का यूज यह पता लगाने में सहायता के लिए करते हैं कि नए जगह पर कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, GPS सैटेलाइट कैसे काम करता है? दोस्तों, नासा के साइंटिस्ट GPS एक हाई एक्यूरेसी वर्जन का भी यूज करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सैटेलाइट स्पेस में कहाँ है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि GPS शहर के चारों ओर घूमने में आपकी हेल्प करने के लिए टाइम ट्रेवल कैलकुलेशन पर निर्भर करता है? दोस्तों, GPS सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर ऑलमोस्ट 8700 मील यानी 14000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहुत तेजी से परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, यह GPS सैटेलाइट घड़ियों को 1 सेकंड के एक छोटे से फ्रैक्शन से धीमा कर देता है। दोस्तों, हालांकि सैटेलाइट भी सरफेस से ऑलमोस्ट 12550 मील यानी 20200 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। दोस्तों, यह रियल में GPS सैटेलाइट घड़ियों के सेकंड के थोड़े फ्रैक्शन से गति देता है। दोस्तों, हालांकि आइंस्टीन का सिद्धांत यह भी कहता है कि ग्रेविटी स्थान और समय दोनों को कर्व्स करता है जिससे समय बिताने की गति धीमी हो जाती है। दोस्तों, ऊपर में जहां सैटेलाइट परिक्रमा करते हैं वहां पर पृथ्वी का ग्रेविटी बहुत ज्यादा वीक होता है, इससे GPS सैटेलाइट की घड़ियां जमीन पर मौजूद घड़ियों की तुलना में तेज चलती है। दोस्तों, कॉम्बाइंड रिजल्ट के अनुसार GPS सैटेलाइट की घड़ियां 1 सेकंड प्रति सेकंड की तुलना में थोड़ी तेज गति से समय का अनुभव करती है। दोस्तों, सौभाग्य से साइंटिस्ट इन अंतरों को समय पर ठीक करने के लिए मैथ्स का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर साइंटिस्ट ने GPS घड़ियों को ठीक नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, GPS सैटेलाइट अपनी या अपनी स्थिति की सही कैलकुलेशंस करने में सक्षम होंगे। त्रुटियां एवरीडे कुछ मील तक जुड़ जाती है जो एक बड़ी बात है। GPS मैप सोच सकते हैं कि आपका घर कहीं नहीं है जहां पर वह रियल में है। दोस्तों, हालांकि हां, टाइम ट्रेवल रियल में एक वास्तविक चीज है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आपने शायद फिल्मों में देखा है। दोस्तों, कुछ शर्तों के तहत 1 सेकंड प्रति सेकंड से डिफरेंट रेट से समय बिताने का एक्सपीरियंस करना पॉसिबल है, और ऐसे इम्पोर्टेंट रीजंस है जिनकी वजह से हमें टाइम ट्रेवल के इस रियल वर्ल्ड रूप को समझने की आवश्यकता है।